तो हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत सही होंगे। और आज मैं आ गया हूँ जामिया के क्लास 9th के आंसर की के साथ, और ये है सेट सी। और इसी तरह आपके भी बहुत सारे सेट हो सकते हैं, ए बी सी डी, ऐसे होता है, चार सेट होते हैं। और ये सेट सी है, पर सवाल सब में एक ही जैसे होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं, पर सवाल वही होते हैं और ऑप्शन भी वही होते हैं। तो हमारे पास सेट सी है और हम आज इसका आंसर की देखेंगे। तो सेट सी हमारे सामने, तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ बिना कोई समय व्यर्थ करते, क्योंकि बहुत समय लग जाता है आंसर की के वीडियो बनाने में। तो आज पहले नंबर सवाल से शुरू करते हैं, जो कि पहला नंबर इसमें सवाल है, इनमें से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका होगा आंसर बी। और इसमें जो दूसरे नंबर पर जो है क्वेश्चन, इसका होगा आंसर डी। तो तीसरे सवाल पे हम आते हैं। तीसरा सवाल जो है आप लोग ध्यान से पढ़ लें, तीसरा का होगा ए और चौथे नंबर का होगा डी। इसी तरह से पांचवें नंबर का आंसर होगा सी। छठे नंबर का सवाल आप लोग देख लेंगे सही से, छठे नंबर सवाल का होगा आंसर ए और सातवें नंबर का होगा बी। ओके, सातवें नंबर का होगा बी। इसी तरह से आठवें नंबर का होगा ए और नौवें नंबर का होगा बी। और दसवें नंबर के सवाल को आप लोग देख लें, दसवें नंबर सवाल का होगा सी, ग्यारहवें नंबर का होगा ए और बारहवें नंबर का होगा डी। और 13 नंबर जो आंसर है, क्वेश्चन है, 13 नंबर का होगा बी, 14 का होगा ए, ओके 14 का हो गया, और 15 का होगा आपका डी, और 16 का बी, 17 आने वाला है, 17 का होगा ए और 18 का होगा सी। 19 बीसी में है और 19 का होगा डी, और अगले पेज में 2020 का होगा, 20 का होगा ए, 21 का होगा डी, 21 का डी होगा, और 22 का होगा सी, 23 का बी, 24 का ए, 25 का बी, 26 का होगा सी, और 27 का होगा ए, 28 का होगा बी। 29 नंबर सवाल पे आते हैं। 29 है हमारे पास, 29 का होगा सी, 30 का होगा डी, 31 का होगा सी, और 32 का होगा डी, 33 का होगा ए, और 34 का होगा सी। 34 यहाँ पे है सबसे नीचे, 34 का होगा सी। 35 हमारे सामने दिख रहा है, 35 का होगा सी, 36 का होगा ए, 37 का होगा सी, 38 का भी सी ही होगा, 39 का होगा डी, 40 का होगा डी, 40 अभी आने वाला है, 40 आगे है, 40 हाँ यहाँ पर है, 40 40 का होगा डी, 41 का होगा ए, 42 का होगा सी, 43 का होगा ए, 44 का होगा सी, और 45 आप देख सकते हैं सबसे नीचे, 45 का होगा बी। ओके, 45 तक हो गया। 46 पे आते हैं। 46 से आपका मैथ का सवाल शुरू होता है, तो 46 का होगा सी और 47 का होगा, 47 का बी। 48 पे आते हैं, हमारे पास 48 है, 48 का होगा सी और 49 का भी सी ही होगा, 48 का सी और 49 का सी। 50 नंबर जो सवाल हमारे सामने दिख रहा है, इसका होगा 50 का ए। आगे चलते हैं 51 पे, 51 का होगा, 51 का ए होगा, और 52 का होगा डी, 51 का ए, 52 का डी,
53 का होगा आपका, 53 का, 53, एक मिनट, 53 यहाँ, 53 का होगा बी, और 54 का भी बी ही होगा, 53 का बी और 54 का बी। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना है, डी पे लगा हुआ है, पर इसका सही आंसर होगा बी। तो 55 पे हम आते हैं, 55 हमारे सामने है, फैक्टराइजेशन करना है इसका। 55 का आंसर होगा हमारा, 55 का होगा डी, और 56 अभी आने वाला है, 56 का होगा आंसर, 56 का ए होगा। और आते हैं 57 पे, 57 अभी हमारे सामने है, 57 का आंसर होगा ए, और 58 का होगा डी। 59 पे आते हैं, 59 का होगा ए आंसर, 59 का ए होगा, 60 का होगा, 60 का सी होगा, 61 का होगा, 61 का होगा सी, और 62 का होगा बी। 63 हमारे सामने है, 63 का होगा ए, और 64 का होगा, 64 का सी होगा, 65 का होगा आंसर ए, और 66 का होगा सी। 67 अभी हमारे सामने है, 67 का होगा बी, 68 का होगा डी। 69 का होगा बी, 70 का होगा डी। 71 का होगा सी, 72 का होगा ए। 73 सबसे नीचे हमारा सवाल है, 73 का होगा सी। 74 पे आते हैं, 74 का होगा डी, 74 का डी आंसर होगा, ध्यान से देख ले। 75 का होगा सी, 75 का होगा सी। 76 का होगा डी। 77 का होगा ए, 78 का होगा, 78 का होगा सी, 79 का होगा, 79 का डी। 80 नंबर जो सवाल है, 80 नंबर, 80 का होगा सी। 81 अभी हमारे सामने, 81 का होगा बी। 82 का, और 82 का होगा, 82 का होगा ए। 83 का होगा आपका सी, 84 का होगा ए। 83 का सी और 84 का ए। 85 का होगा बी। तो 86 पर आते हैं, 86 का होगा सी। 87 पर आते हैं, 87 हमारे सामने दिख रहा है, और बहुत ही इजी सवाल है, 87 का होगा बी, क्योंकि सोना को सबसे ज़्यादा लंबा उसको किया जा सकता है खींच कर। 88 पे आते हैं, 88 का होगा सी। 89 का होगा सी। 90 का होगा ए, और 91 का होगा डी। 92 का होगा बी, और 93 का होगा, 93 का मैंने खोजने की कोशिश की पर इसका मुझे मिल नहीं पाया, तो 93 बस एक रह गया है, और एक 100 नंबर का सवाल, 100 नंबर जो सवाल है वो रह गया है, तो दो सवाल के आंसर नहीं मिल पाए हैं। 94 पे आते हैं, 94 का होगा ए, 95 का होगा बी, 96 का भी बी ही होगा, और 97 का होगा डी, 97 का पहले देख लें यहाँ पे, 97 का होगा डी, और 98 का भी होगा डी, 99 का होगा ए। 99 का ध्यान से देख ले, ए होगा आंसर, और जो 100वां नंबर सवाल है काफ़ी लेंदी सवाल है, और इसका भी आंसर मैंने खोजने की कोशिश की, नहीं मिल पाया, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बाकी आप लोग एक बार फिर से मिला लेंगे, आप वीडियो पॉज कर करके देख लेंगे, किसी का अलग सेट है तो मिलता हूँ मैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।